हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है नए जादुई हैंडबैग की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक अमीरपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक सोनाली नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही हाव भाव से रहती थी। जैसे कि उसका नाम सोनाली था, वो गरीब होने के बाद भी हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। सोनाली बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वो हमेशा अपने मेकअप में लगी रहती थी। सोनाली की सहेलियां भी सोनाली की खूबसूरती से बहुत जलती थीं। सोनाली अपने गोरे रंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। सब कुछ होते हुए भी सोनाली की कई गलत आदतें थीं। वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और वो सभी लोगों से अपना काम करवाने की इच्छुक होती थी। सोनाली की माँ रमा सोनाली का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोनाली बहुत घमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से भी अच्छे से बात तक नहीं करती थी। सोनाली के पिता सोहन अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। फसल का मौसम ना होने पर वो गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाने लगते हैं। कम वेतन की वजह से वो सोनाली की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिससे सोनाली अपने पिता से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन सोनाली के पिताजी सोनाली से कहते हैं, सोनाली मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही हैं। तुम भी चलकर उनकी कुछ मदद कर दो, इससे उनके काम में सहायता हो जाएगी। ओफो, नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ, इससे मेरी स्किन काली हो जाएगी और आप तो जानते ही हैं, मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी हमेशा एक राजकुमारी की तरह ही रहती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंडबैग ला कर दूंगा। सोनाली हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ रमा भी होती है। सोनाली बहुत आलसी थी, वो साइड में बैठकर लोगों से काम करवाती है। तभी सोनाली को एक चमकदार सी चीज दिखाई देती है। अरे वो चमकदार सी चीज क्या है? अरे वो तो एक जादुई पेड़ है, परंतु तुम वहाँ मत जाना, वहाँ जाने में बहुत खतरा है बेटी। सोनाली मजदूर की बात ना सुनकर लालच में आ जाती है और सोनाली मन ही मन बोलती है, अगर ये जादुई सोने की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ गई, तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छा अच्छा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे भी होंगे। इतना सोचकर सोनाली उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। सोनाली उस पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद वो उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। सोनाली उस जादुई पेड़ को सब कुछ सच सच बता देती है। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, तुमने अपनी सभी गलतियाँ बहुत अच्छे से मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, परंतु ऐसा एक बार में संभव नहीं है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जाना, पर ध्यान रहे उस समय तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। बिना डिस्टर्ब किए इस पेड़ से एक पत्ती ले जा सकती हो। सोनाली पेड़ के कहे अनुसार उस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले लिया करती थी। सोनाली बहुत खुश थी कि अब वो जल्द ही एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह सोनाली अब रोजाना सोने के पेड़ से एक पत्ती ले आया करती थी। परंतु सोनाली इससे ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी।
और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और सोनाली सोचती है, अरे पेड़ की आंखें तो बंद रहती हैं और मैं इतने दिनों से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जा रही हूँ जिससे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ। क्यों ना आज मैं 3 से 4 सोने की पत्ती ले लूँ, ऐसे तो मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगी और एक राजकुमारी की तरह ठाट से रहूंगी। इतना सोचकर सोनाली 4 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर वापस आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था। सोनाली के इस व्यवहार से पेड़ भयभीत हो जाता है और उसे दुनिया की सबसे काली लड़की में बदलने का श्राप दे देता है। यहाँ सोनाली खुशी खुशी घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। सोनाली अपना ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ पिताजी देखो मेरे साथ क्या हो गया, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। सोनाली के माता पिता भी जब उसको इस हालत में देखते हैं तो उन्हें सोनाली पर बहुत ही दया आती है। सोनाली बेटी, तुम रोजाना उस सोने के पेड़ के पास जाती हो परंतु आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ये तुम इतनी काली कैसे हो गई? फिर सोनाली अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह वो जल्दी अमीर बनने के लालच में वहाँ से 4 सोने की पत्ती इकट्ठी तोड़ लाई थी और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए तुम्हें उस पेड़ के पास ही जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो तुम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगो और तुम अपने किए की माफ़ी भी मांग लेना बेटा। सोनाली ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढक कर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ जी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपके सोने के खजाने में से 3 पत्तियां ज्यादा तोड़ ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती कभी नहीं करूँगी और चोरी भी नहीं करूँगी। वो सब तो ठीक है प्यारी बेटी, परंतु जो श्राप मैं तुम्हें दे चुका हूँ वो ठीक नहीं हो सकता। परंतु अगर तुम नेक काम करो और लोगों की मदद करने लगो तो तुम्हें तुम्हारा पहले जैसा रंग वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर के लिए निकल जाती है। अब सोनाली अपने माँ के कामों में उनकी मदद करती है। सोनाली अपने पिता की सेवा भी करती है। उस दिन सोनाली को गांव में जो भी मदद मांगते हुए नजर आता सोनाली उन सबकी मदद करती। अब सोनाली को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा था और उसकी आदतें अब अच्छी हो गई थी। सभी गांव वाले सोनाली से बहुत खुश रहने लगे थे और उसकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद भी सोनाली का रंग जब पहले जैसा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी मैंने आपके कहे अनुसार सभी लोगों की मदद की और सबसे प्यार से व्यवहार किया, अपने माता पिता की सेवा भी की, परंतु मेरा रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं अपने इस काले रंग रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ सोनाली बेटी, आज वो समय आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर कर सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई हैंडबैग है जो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। इस हैंडबैग में रखा हुआ मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। साथ ही साथ तुम इस हैंडबैग से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो, ये हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगा। फिर उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देकर वो जादुई हैंडबैग अपने साथ अपने घर ले आती है और अब सोनाली हर रोज
उस जादुई हैंडबैग के मेकअप किट को यूज करती है और पहले की तरह बहुत ही सुंदर हो जाती है। ये देखकर सोनाली खुशी से उड़ने लगती है। इस तरह सोनाली को अगर किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती थी। सोनाली के पास जादुई हैंडबैग आने के बाद भी उसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला और वो सभी लोगों की मदद करती रही और माता पिता का आदर करती रही और उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगी। एक गांव में पिंटू और अंजू दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ को उसके पापा की कुछ पेंशन आती थी जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार और उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आते हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी आप ऐसा ना बोलें, आपको कुछ भी नहीं होगा भाभी माँ। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले। शर्मिला कुछ तो शर्म करो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है, जेठानी जी मर जाएं और इन दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं, खुद तो मर जाएंगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती हैं। अपनी भाभी को रोता हुआ देख कुमार को गुस्सा आता है और वो शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं सभी ऐश और आराम मैं पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। भाभी आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाभी, और आप चिंता ना करें, मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बात सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती हैं और उसी समय दम तोड़ देती हैं। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों को यहाँ रहने से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे,
और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप पिंटू से काम मत करवाइए। पिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूंगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। एक मिनट में चार चार रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाती हैं, और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती हैं। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस इधर आ। जी चाची जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी मैं दो बार पानी ले आऊंगी, लेकिन पिंटू को मेरे साथ मत भेजो। पिंटू अभी बहुत छोटा है चाची जी, इतना वजन वो नहीं उठा पाएगा। शर्मिला अंजू को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ, और ध्यान रखना समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं, और वही कुएं के पास बैठकर जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ वापस आ जाओ ना। माँ चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है। माँ वापस आ जाओ ना। माँ इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों रो नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ माँ आप वापस आ गई। माँ माँ हमें चाची जी के साथ नहीं रहना, चाची बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और पिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती हैं, लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर दो जादुई सोने और चांदी के पर्स प्रकट करती हैं। बेटा ये दो जादुई सोने और चांदी के पर्स हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, और दोनों भाई बहन पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो और मेरे घर से भाग गए तो, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है। चाची चाची जी हम कुछ भी नहीं चुराएंगे, हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं। चाची जी हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा, आप हमें बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। शर्मिला और बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी कोई बात नहीं छोटे, मैं हूँ ना तेरे साथ,
तो बिल्कुल भी मत डर। मासूम पिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर दोनों जादुई पर्स आते हैं। जादुई पर्स अपने जादू से पिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल की लड़कियाँ हो, इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोल कर भी नहीं देखा। हम जादुई पर्स हैं, तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और पिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती हैं। चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं, अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई पर्स की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी वो दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, ये क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।